घर भी मिल सकता है, टॉयज भी मिल सकते हैं, ये डब्बा मुझे भेज दो। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बेचूंगा। उसने कहा क्यों नहीं? बस ये कोई रखवा के गया था, मैं नहीं बेचूंगा। वो चला गया, ये घर गया और रात को इसने बीवी को बताया कि देखो भाई वो जो संदूक पड़ा हुआ था ना, उसकी मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, स्पोर्ट्स कार भी मिल रही थी। इसकी बीवी ने कहा हालात बड़े खराब हैं, बेच दो, कुछ मिल ही जाएगा, कुछ खा पी लेंगे हम भी, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। इसने कहा नहीं भाई, वो तो किसी की अमानत है, तो अमानत में खयानत नहीं करूंगा, नहीं करनी चाहिए। और वो जो किसी के लिए रखा हुआ इतने अरसे से, पता नहीं वो कभी भी आके ले जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और अल्लाह ने ये कहा है कि जो लोग अमानत में खयानत करते हैं उनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाता। तो जन्नत में दरवाजे पे रोक दिया जाएगा जो अमानत में खयानत करेगा, चाहे वो जितनी मर्जी कीमती चीज हो। खैर, नेक्स्ट डे जब उसने अपनी दुकान खोली तो क्या देखता है कि एक बच्ची खड़ी हुई सामने। और इसने कहा ये तो वो बच्ची है जिसकी खाला मेरे पास संदूक रखवा के गई थी। उस बच्ची ने कहा कि अंकल अंकल वो संदूक मेरा है, आप प्लीज मुझे अब दे देंगे। इसने कहा बेटा बिल्कुल, वो तो आपकी अमानत पड़ी बहुत सालों से, आप ले जाइए, लेकिन इस संदूक में है क्या? अब वो बच्ची पास गई, उसने संदूक खोला, उसने कहा मैं बताती हूँ उसमें क्या। उसने एक पर्चा निकाला, एक कागज सा निकला। उसने कहा इस कागज की इतनी हिफाजत। उस कागज में लिखा हुआ था कि फला फला जगह पे इतना सोना और इतनी चांदी दफन है, अब जाके वो निकाल लो। अब वो बच्ची और ये अंकल गए और इन्होंने जब वो जगह खोदी तो इतना ढेर सारा सोना, इतनी ढेर सारी चांदी। और उस बच्ची ने किया क्या किया कि अमानत में चूंकि अंकल ने खयानत नहीं की थी, उसके एवज में उसने आधा गोल्ड आधा सिल्वर इन अंकल को दे दिया। और अंकल ने फौरन जाके अपनी बीवी को दिया। बीवी ने कहा अब तो मैं खुद खरीदूंगी स्पोर्ट्स कार और खुद लूंगी जबरदस्त किस्म का घर। तो कहानी का मकसद यह है कि जब आप दो नंबरी करके, जिसको हम कहते हैं आजकल के जमाने में, यानी बेईमानी करके, अमानत में खयानत करके अगर ना कमाएं तो अल्लाह वैसे भी रास्ते आपके लिए बना लेता है कि अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से आपको बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। तो यही आज का सबक है। तो क्या नहीं करनी? इमानत में खयानत नहीं करनी, दो नंबरी नहीं करनी, संदूक वाले को ढूंढना है, कभी चोरी नहीं करनी, कभी बुरे काम नहीं करने। ऑडियंस सही बात है या गलत बात है? ऑडियंस की तालियां हल्की थी जरा। ऑडियंस सोच रही मैं अभी कबाड़िया के पास जाऊं और संदूक ढूंढूं उसमें से। ऑडियंस आपका भी एक संदूक पड़ा है जहां बहुत गिफ्ट हैंपर्स हैं। हाँ। वो आज हमने थोड़ा सा खोला, बाकी कल खोलेंगे। और एक और संदूक है जिसको जब खोले तो उसके अंदर से निकलते हैं टोटके जो बहुत कीमती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जी, बच्चों में से किसी और ने कोई बात करनी है क्या? इनको माइक दे दें भाई, माइक दे दो भाई, माइक दे दो। अच्छा इसने भी करनी है प्यारी बात करनी है, माइक पकड़ के बैठी हुई है, करनी है बात। क्या करना? इतना प्यारा सा दुपट्टा लेके आई है, ये देखो जरा यार, वाओ ब्यूटीफुल। अच्छा बताओ क्या बोलना है भाई? मुझे एक पोएम सुनानी। पोएम सुना दो। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को, अल्लाह ने बनाया फूलों को हम सब के लिए। किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को, अल्लाह ने बनाया मछली को हम सब के लिए। किसने बनाया चांद को, चांद को, चांद को, अल्लाह ने बनाया। वेरी नाइस, वेरी गुड। लाओ जी अब माइक इनको दे दीजिए, इनको भी कुछ बोलना है। हाँ जी, अच्छा। कोलगेट का ये सेगमेंट है, लोगों को याद दिलाते चले। और कोलगेट से दांत स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग। और कोलगेट में स्पेशल जो फॉर्मूला है वो दांतों को रखता है बहुत स्ट्रॉन्ग। और दिन में कम से कम 2 से 3 बार दांत साफ कीजिए और रहिए स्ट्रॉन्ग। और ये हमारे दीन में, हमारे मजहब में भी सिखाया गया कि दांतों को साफ करना चाहिए। किसने बनाया मजबूत दांतों को, मजबूत दांतों को, मजबूत दांतों को, कोलगेट ने बनाया दांतों को। जी बेटा जी, पढ़ दे यार, क्या पढ़ना है? आयतुल कुर्सी तो पढ़ दे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम लता हुसू
सनाता हूँ वाला लूना हूँ आफ़िस समुआती मुमाफ़लाय मुज़ल्लज़ी नश्माओ नंदाओ लाइन इसमें अनामु पैना ए दिहिम बुशिम ममाखलफाओ वाला यू ही तू ना वाला यू तू ना विषय इम्मन इल्मेही इल्ला बिमाशा वसिया कुशु समाधिया महर पलाई दूदू जमा अली अजीम माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा हेल्प मांग रही थी। अच्छा ये वाली जो जगह है ना जो अभी जगह पे जहाँ पे ये भूली है यार तकरीबन हर बच्चा भूलता है। मैं अपने बच्चों से भी जब सुनता हूँ तो मैंने नोटिस किया वो इसी एक लाइन पे रेपिटेशन पे थोड़ा अटक जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए।